नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये दो कलर का खूबसूरत सा डोरमेट बनाना बताने जा रही हूँ। इसमें मैंने 16 फंदे डाली हैं, बहुत खूबसूरत है। दो कलर हैं जिसका मैंने डोरमेट बनाया है, बहुत खूबसूरत डोरमेट है। और इसमें मैंने ये 8 फंदे नीले रंग से डाले हैं, 8 फंदे लाल रंग से डाले हैं। मैंने 16 फंदे का डोरमेट बनाया है, टोटल हमारे ये 16 फंदे हैं। मैंने 16 फंदे का डोरमेट बनाया है, आप इसको बड़ा और छोटा भी बना सकते हैं। और ये हम एक पहली सिलाई में एक फंदे का दो फंदा बनाते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने एक फंदे का दो फंदा बनाया और धागा आगे करके और ये पूरे फंदे उल्टे उल्टे बीन लेंगे। ये देखिए, ये हमने लाल वाले फंदे पूरे उल्टे उल्टे लाल रंग से बीन लिए। अब हम इसको इस धागे को ऐसे करेंगे इस तरह से और इसको फंदे को इस तरह से बीन लेंगे। अब हम इसको अब ये पूरे फंदे हम बीन लेंगे नीले वाले और दो फंदे हम छोड़ देंगे। ये देखिए, ये दो फंदे हमने बीने नहीं, इनको छोड़ दिया और धागा यहाँ से घुमा के आगे ले लिया और ये हमारी सीधी साइड में आ गए और ये फंदे सीधी साइड में नीले वाले फंदे नीले से और बीनेंगे। ये देखिए, हमने नीले फंदे नीले वाले रंग से बीन लिए। ये देखिए, अब हम इस फंदे को पीछे करेंगे और लाल वाले को धागे को आगे लाएंगे, खींच के लाएंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से इसको खींच के आगे लाएंगे, टाइट करेंगे, जोड़ है दोनों, इसको भी खींच देंगे और ऐसे टाइट बीन लेंगे कि ये हमारा जोड़ है। इसको हम सफाई से बनाएंगे वरना डोरमेट खींचा खींचा सा रहेगा और डिजाइन सुंदर नहीं आएगी। और ये फंदे हम पूरे सीधी सिलाई हमारी जैसी है वैसे ही बनाना है। और ये देखिए, हमने पूरे फंदे उल्टे उल्टे बीन लिए। ये देखिए, अब हम फिर से सीधी साइड में आ गए। ये देखिए, अब हम फिर से एक फंदे का दो फंदा बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से एक बीन लिया और फिर इसको घुमा के इस तरह से बना लिया। अगर आप कोई दूसरी साइड से बढ़ाना आता है तो आप बढ़ा सकते हैं, एक फंदे का दो फंदा कर सकते हैं। ये देखिए, और बाकी फंदे हम ये बीन लेंगे। अभी हमारी ये दूसरी सिलाई है और ये हम दूसरा फंदा बीन रहे हैं। ये देखिए, दूसरी सिलाई है, हमने दो फंदे बढ़ा दिए हैं। अब ये धागा ऐसे किया और इसको खींच के उल्टा उल्टा बीन लेंगे। ये देखिए, हमने उल्टा उल्टा बीन लिया। उस बार हमने दो फंदे छोड़े थे, इस बार दो और छोड़ देंगे तो ये हमारे दो सेट छूट गए। ये देखिए, ये हमारे चार फंदे छूट गए और ये सीधी सिलाई हम पूरी ऐसे बीन लेंगे उल्टी उल्टी। ये देखिए, हमने बीना और इस धागे को पीछे किया और इसको खींच के आगे लाएंगे इस तरह से और उसको उल्टा उल्टा बना लेंगे। और ये हमारा जोड़ है, इसलिए हमें दोनों फंदों को टाइट करके बनाना है। तो ये जोड़ बहुत सफाई से आता है और जब भी ये क्रॉस में ही फंदे आगे करें नहीं तो ये अलग अलग सा लगेगा। और ये देखिए, हमने पूरी सीधी साइड बीन ली। अभी हमने दो फंदे बढ़ाए। ये देखिए, अब हम फिर से एक फंदे का दो फंदा, एक, और ये देखिए दो, ये हमने एक फंदे का दो फंदा कर दिया और धागा आगे घुमा के और पूरी लाइन इस तरह से बना लेंगे। ये उल्टा उल्टा हम बीन लेंगे। ये देखिए, ये पूरी साइड हमने बीन ली, ये जैसी है वैसे। और अभी हमने ये दो सेट छोड़े थे, अब हमें तीसरा सेट छोड़ना है। तो ये देखिए, एक दो, ये दो फंदे हमने बीन लिए। ये देखिए, एक दो तीन, ये हमारे तीन सेट छूट गए और धागा आगे घुमा के ले लेंगे और ये पूरी लाइन ऐसे उल्टी उल्टी बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इस धागे को पीछे किया और लाल वाले को नीचे से ला के इसको क्रॉस में आगे लाएंगे और टाइट बीन लेंगे। ये देखिए, खींच के हमने टाइट कर दिया और ये पूरी लाइन उल्टी उल्टी हम बना लेंगे। ये हमारी सीधी साइड है, इसलिए इसमें हमें कुछ करना नहीं पड़ता और जैसा है वैसे ही करना बीनना है। लाल जो जिस कलर का है उसी कलर का धागे और जैसे बना। ये देखिए, हमें बनना। अब हम फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे।
अब हमारे ये चार फंदे बढ़ गए, ये देखिए चार फंदे बढ़ गए और ये हम पूरी लाइन उल्टी उल्टी बनाएंगे। ये हमारा सिंपल है डोरमेट, मगर बहुत खूबसूरत डोरमेट है। ये देखिए इसे ये हमने बीन लिया और उसको अरेंज किया और धागे को, अब हमारा ये पीले नीले फंदे पूरे छूट जाएंगे, इसलिए अब हम इसको ऐसे करेंगे और इसको आगे लाएंगे और पूरी लाइन हम पूरी यहीं से वापस जाएंगे। अब ये हमने चार सलाई चार सेट हमारे छूट गए, नीले पूरे फंदे छूट गए, अब हमारे पास लाल फंदे बचे हैं। अब लाल फंदे भी हम हर सलाई में दो दो फंदे छोड़ेंगे। ये देखिए इस तरफ हमने एक एक फंदा बढ़ाया है और इधर हमने दो दो फंदे छोड़े हैं। अब ये देखिए हमने चार फंदे छोड़ दिए, ये हमने चार फंदे इधर बढ़ा लिए हैं, ये हमने यहाँ पे चार फंदे बढ़ाए हर सलाई में और इधर दो दो फंदे छोड़े। अब हम ये क्या करेंगे, अब हम ये दो फंदे का एक फंदा बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से दो फंदे का एक फंदा है। ये देखिए हमने ये एक दो, ये दो फंदे को हमने एक साथ लेके बीन दिया। ये देखिए हमने दो फंदे का एक बना दिया और पूरी लाइन उल्टी उल्टी बीन लेंगे। ये देखिए पूरी लाइन हम ऐसे उल्टी उल्टी बना लेंगे। अभी तक हमने वो फंदे छोड़े थे, अब हम ये दो फंदे डाल के छोड़ेंगे। ये देखिए हर सलाई में हमें दो दो फंदे छोड़ने हैं और ये पूरी लाइन हम उल्टी उल्टी बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम पूरा इसको बीन लेंगे। सीधी साइड हमारी जैसी है वैसे ही करना है, इसमें कुछ करना है। ये देखिए हमने बीन लिया, अब हम फिर से आ गए उल्टी साइड में। अब हम फिर से दो फंदे का एक फंदा करेंगे, एक दो। ये देखिए हमने दो फंदे का एक फंदा किया और इसको पूरा उल्टा उल्टा बीन लिया। अभी हमने जो चार फंदे बढ़ाए थे वो हम चार फंदे एक एक सलाई में घटा देंगे। ये देखिए इधर से हमने अब हमने ये फंदे छोड़ा और फिर से आ गए, ये हमें दो दो फंदे इधर छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। अब वो जो चार फंदे हमने चार सलाई में बढ़ाए थे वो चार सलाई में ही फंदे हम एक एक सलाई में फंदे घटा देंगे। ये देखिए अभी हमने दो फंदे घटाए हैं, अब हम दो फंदे फिर से घटा देंगे। ये देखिए एक का दो फंदे का एक फंदा कर दिया, अब हमारे तीन फंदे हो गए और ये हमारी सलाई हो गई। हम यहाँ से वापस आएंगे और अब हम फिर से सीधी साइड आ गए और ये हमारी एक कली बन के तैयार हो रही है। ये देखिए इस तरह से ये एक कली बन के तैयार हो रही है। अब हमारा एक फंदा बचा है और ये हमारे पूरे हमने दो दो करके पूरे छोड़ दिए, यहाँ तक मैंने पूरे छोड़ दिए। अब हम ये दो फंदे का एक फंदा करेंगे, ये देखिए और हम पूरी लाइन बीन लेंगे इस तरह से, लाल फंदे लाल से और नीले फंदे नीले से हम पूरा लाइन बना लेंगे। ये देखिए पूरा हमने ये लाल वाले पूरे फंदे लाल रंग से बीन लिए और अब नीले वाले फंदे नीले फंदे से बीनेंगे। इस तरह से हम ये पूरा बनाएंगे, इसको हम लास्ट तक बीन लेंगे क्योंकि हमने सारे फंदे छोड़ दिए, अब हम पूरा लास्ट तक बीनेंगे। ये देखिए हमने पूरे बीन लिए इस तरह से और ये धागा आगे करके, ये देखिए ये हमारी एक कली बन के तैयार हो गई है। अब हमारी ये फंदा हम उतारेंगे, इसको बीनेंगे नहीं और इसको खींच के अगला फंदा बीन लेंगे, इससे हमारा बीच का सर्कल छोटा आता है और सफाई से डोरमेट बनता है। और ये हम पूरी लाइन ऐसे उल्टी उल्टी बना लेंगे। ये देखिए सीधी सलाई जैसी है। आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने ये पूरी सीधी सलाई जैसी है वैसे ही बनानी है, हमने बना लिया है। अब हमारी यहाँ से दूसरी कली स्टार्ट होगी, सेम उसी तरह से हम रिपीट करेंगे। ये देखिए अब हमने एक फंदा, अब हम इस फंदे को सेम जैसे यहाँ पे स्टार्ट किया था एक फंदे का दो फंदा बनाएंगे इस तरह से, इस तरह से एक दो, हम एक फंदे को दो बार बीनेंगे। ये देखिए हमने बढ़ा दिया,
और ये बाकी फंदे हम फिर इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए ये हमारा, ये देखिए हमने सीधे पूरे बुन लिए। अब हम यहाँ से फिर ऐसे करेंगे, इसको हर बार करना है, ये हमारा जोड़ है। यहाँ पे ऐसे ही सफाई से बनाना है और टाइट रखना है फंदा, क्योंकि जोड़ हमारा सफाई से ही रहेगा तभी हमारा डोरमेट खूबसूरत बनेगा। ये देखिए ये हमने बना लिए और दो फंदे हमने यहाँ पे छोड़ दिए। अब हमारी ये दूसरी कली, ये देखिए यहाँ सीधी सिलाई से बुन लेंगे, फिर एक फंदा ऐसे करके हम चार बढ़ाएंगे और हर सिलाई में, और हर सिलाई में फिर वो जो चार फंदे एक एक सिलाई कर में घटा देंगे चारों। इसी तरह से बनाएंगे, हमारा ये डोरमेट बहुत बन के तैयार होगा। मैं आपको थोड़ा बना के दिखाती हूँ। ये देखिए हमने इतना डोरमेट बना लिया है, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये भी ये पूरा डोरमेट बन के तैयार होगा, बहुत खूबसूरत डोरमेट बन के तैयार होगा। ये देखिए अगर आप कोई डोरमेट बना रहे हैं, आपके उसमें आइडिया है, आप नहीं बना पा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करें तो मैं जरूर कोशिश करूंगी बनाने की। नमस्कार।